हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस प्रैक्टिस क्लास। तो डिफेंस प्रैक्टिस क्लास चैनल तरफ थे तुम्हारे सबा के स्वागत। आज के चले टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नपत्र। ये प्रश्नपत्रगुल खूब ही इम्पोर्टेंट हो जाए। वेस्ट बेंगल पुलिस, पीएससी क्लार्क, आबगारी पुलिस, रेलवे एग्जाम अदार्स जो कम्पिटिशन एग्जाम खूब ही इम्पोर्टेंट हो जाए। तो फ्रेंड्स, तुम्हारा भिडियो बिना स्किप कर शेष पर्यंत देखो और भिडियो जो भल लागे अवश्य लास्ट एवं लाइक और कमेंट कर जाना जो केमन लगल। तो चलो शुरू करा जा। फ्रेंड्स, ये प्रश्नपत्रगुल जो तुम्हारा सठिक अन्सार जानो अवश्य तुम्हारा नीचे कमेंट बक्से कमेंट कर जाना ये सठिक अन्सार क्य हो। तुम्हारे फार्ष्ट प्रश्न हलो टेलिफोन जनक काके बला है। तो चार्टे अपशन मध्य जेटी राइट आंसर हो जाए अपशन सी ग्राहम बेल। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन जनक बला है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पुलु कादेर बला है। तो फ्रेंड्स, चार्टी ऑप्शन देवा आछे भारतीय सैन्य, इंग्रेज सैन्य, फरासी सैन्य और पाकिस्तानी सैन्य। तो पुलु बला है जेटी सठिक आंसर हो जाए फरासी सैन्य बला है पुलु। तो ऑप्शन सी एखे राइट आंसर हो जाए फरासी सैन्य। तार साथे तुम्हारा जेने रखो भारतीय सैन्य के बला है जवान एवं इंग्रेज सैन्य बला है टोमी एटोकिंग्स। तो इंग्रेज सैन्य के कि बला है टोमी एटोकिंग्स एवं पाकिस्तानी सैन्य बला है रेंजर। तो साथे साथे ये पॉइंटगुलो तुम्हारा मने रखो। नेक्स्ट प्रश्न हलो खुबी इम्पोर्टेंट प्रश्न, विश्वर प्रथम महिला प्रधानमंत्री हलन। तो चार्टी अपशन देवा आछे एस बंदरनायक, इंदिरा गांधी, मार्गारेट थेचार ओ केउ नय। तो चारटी अपशन मध्य राइट आंसर हो जाए कि तुम्हारा जो सठिक आंसर जानो अवश्य तुम्हारा नीचे कमेंट कर जानाते पारो। तो सठिक आंसर हो जाए अपशन ए एस बंदरनायक। तो एस बंदरनायक होच्छे पृथिवीर प्रथम महिला प्रधानमंत्री एवं तिनी कोन देशे तिनी होच्छे श्रीलंकार। सिरिमाबो बंदरनायक फुल नेम होच्छे सिरिमाबो बंदरनायक। तो अपशन ए एखाने राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न हलो अफगानिस्तान राजधानी नाम कि। तो खूब ही इजी प्रश्न और ये प्रश्नटी जेटी सठिक आंसर हो जाए अपशन सी काबुल होच्छे अफगानिस्तान कैपिटल। तो अपशन सी एखे सठिक आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न हलो बैटन कप कौन खेलार साथे जुक्त। तो बैटन कप कौन खेलार साथे जुक्त। तो ये जेटी सठिक आंसर हो जाए हॉकी। तो हॉकी खेलार साथे जुक्त होच्छे बैटन कप। नेक्स्ट प्रश्न हलो माछेर हृदपिंडे कतगुलि प्रकोष्ठ थाके। खुबी इम्पोर्टेंट प्रश्न और ये प्रश्नटा आमादेर रिपीटेड प्रश्न। तो माछेर हृदपिंडे थाके अपशन ए राइट आंसर हो जाए दुटी प्रकोष्ठ एवं एटी ग्रुप डी एग्जामे तोमादेर एसेछिलो माछेर हृदपिंडे कतगुलि प्रकोष्ठ थाके दुटी। ताछाड़ा तुम्हारा जेने रखो मानुषेर हृदपिंडे थाके चारटी प्रकोष्ठ एवं ब्यांगेर हृदपिंडे थाके तीनटी प्रकोष्ठ। तो तार साथे साथे ए पॉइंटगुलो तुम्हारा जेने रखो। नेक्स्ट प्रश्न खूब इम्पोर्टेंट, डाक व्यवस्था के शुरू करें। खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न, डाक व्यवस्था शुरू करें। राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी प्रथम डाक व्यवस्था प्रचलन करेछिलो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हलो खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्रश्नटी भारतीय बृहत्तम मंदिर कोनटी। तो फ्रेंड्स, चारटी ऑप्शन देवा आछे तिरुपति मंदिर, केदारनाथ मंदिर, श्री रंगस्वामी मंदिर एवं सूर्य मंदिर। तो चारटी अपशन मध्य तुम्हारा जो राइट आंसर जानो अवश्य कमेंट कर जानाते पारो। तो सठिक आंसर हो जाए अपशन सी श्री रंगस्वामी मंदिर। श्री रंगस्वामी मंदिर एटी होच्छे तमिलनाडु राज्य तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्टे ये मंदिर अवस्थित श्री रंगस्वामी मंदिर एवं मंदिरे भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी मंदिर। ठीक है, तो श्री रंगस्वामी मंदिर होच्छे भारतेर बृहत्तम मंदिर। तो एखाने अपशन सी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखो भारतेर बृहत्तम मस्जिद कोनटी। तो फ्रेंड्स, एखाने चारटी अपशन देवा आछे जदि सठिक आंसर जानो अवश्य कमेंट करे जानाते पारो। जामा मस्जिद, जुम्मा मस्जिद, टीपू सुलतान मस्जिद एवं बाबरी मस्जिद। तो चारटी अपशन मध्य जेटी राइट आंसर हो जाए अपशन ए राइट आंसर हो जाए जामा मस्जिद एवं ए मस्जिदटी दिल्लीते अवस्थित भारतेर बृहत्तम मस्जिद। नेक्स्ट प्रश्न देखो खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्रश्नटीओ भारतेर बिस्मार्क काके बला है। खूब इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, एखाने सठिक आंसर हो जाए अपशन सी सर्दार वल्लभ भाई पेटेल के बला है,
ভারতের বিসমার্ক। তো অপশান সি রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে। তার সাথে তোমরা মনে রাখো, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে লৌহ পুরুষও বলা হয়, ঠিক আছে, আয়রনম্যানও বলা হয়। তো অপশান সি রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে, বিসমার্ক বলা হয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। নেক্সট প্রশ্ন দেখো, লাক্সবক্স নামে কে পরিচিত, খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এবং এই প্রশ্নটা রিপিটেড প্রশ্ন, এবং এই প্রশ্নটা তোমাদের 2018-তে প্রিলিমিনারি এক্সাম এসেছিলো ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবলে। তো এখানে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান ডি, কুতুবুদ্দিন আইবককে লাক্সবক্স বলা হয়। তো লাক্সবক্স কী কারণে বলা হয়, তার দানবীরের কারণে তাকে লাক্সবক্স বলা হয়। তো কুতুবুদ্দিন আইবককে লাক্সবক্স বলা হয় তার দানবীরের কারণে। তো অপশান ডি রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে। নেক্সট প্রশ্ন দেখো, এবং খুবই ইম্পর্ট্যান্ট প্রশ্ন, এবং আজকের আমাদের এই ভিডিওটির লাস্ট প্রশ্ন, সিঁড়ি থেকে পড়ে কার মৃত্যু হয়, খুবই ইম্পর্ট্যান্ট প্রশ্ন। এবং এই প্রশ্নটি তোমরা যদি সঠিক অ্যান্সার জানো অবশ্যই তোমরা নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারো। তাছাড়াও আমি তোমাদেরকে অ্যান্সার বলে দিচ্ছি, তো রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান এ, হুমায়ুন। তো সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যু হয় হুমায়ুনের, অপশান এ এখানে রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে। তার সাথে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি আরেকটি প্রশ্ন, কুতুবুদ্দিন আইবক তার মৃত্যু হয় পোলো খেলতে গিয়ে থাকবে। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও এখানেই আমরা শেষ করছি। তো তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা একবার লাইক এবং কমেন্ট করে জানাও যে তোমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো, এবং অবশ্যই তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক যে এডুকেশন গ্রুপগুলি আছে সেই গ্রুপগুলিতে অবশ্যই লিঙ্কটি শেয়ার করে দাও। এবং এখনও পর্যন্ত যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না রেখেছো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকন চিহ্নটা অন করে রাখো, এ ধরনের ইম্পর্ট্যান্ট ইম্পর্ট্যান্ট প্রশ্ন পাওয়া যাচ্ছে। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম।